इस क्वेश्चन में कहा गया है कि टू रिएक्टेंट ए और बी मिक्स होते हैं, प्रोडक्ट सी और डी बनाते हैं, तो रिएक्शन कोएफिशिएंट क्यू एट द इनिशियल स्टेजेस ऑफ द रिएक्शन। तो इनिशियल स्टेजेस में तो रिएक्टेंट ही ज्यादा है और प्रोडक्ट तो कम है, बन ही रहा है, बनना स्टार्ट ही हुआ है, तो क्यू तो लेस देन के इक्विलिब्रियम है, तो फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, है ना। भले ये कंसंट्रेशन वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए कंपेयर कर रहे हैं क्यू को या पार्शियल प्रेशर के लिए कर रहे हैं, तो जो है वो एट द इनिशियल स्टेज ऑफ द रिएक्शन ये प्रोडक्ट जो है वो रेशियो अपना जो है इनिशियल स्टेजेस ऑफ द रिएक्शन ये बढ़ेगा और ये कम होगा, शुरू में तो यही है, तो ये इंक्रीज होता जाएगा। शुरू में क्यू कम होगा कि इक्विलिब्रियम ज्यादा होगा, क्यों क्यू कम है, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो कम है, तो इंक्रीजेस विद द टाइम। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।